भी समय पानी का बहाव बढ़ सकता है। आप लोग से अनुरोध है कि नदी के किनारे ना जाएं। इस वक्त बाढ़ बारिश की मार अगर कोई सबसे ज्यादा झेल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ नदियों ने ऐसी चाल बदली है कि कई शहरों की तस्वीर तबाही से लाल हो गई है। ये तस्वीर पीलीभीत की है। यहाँ देवहा नदी में 46,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन अपील कर रहा है कि नदी से दूर रहें। पानी का बहाव बढ़ सकता है। आप लोग से अनुरोध है कि नदी के किनारे ना जाएं। अपने सामान, अपने पशु परिजन को सुरक्षित स्थान पे रख दें। तथा सबसे अनुरोध है कि कोई भी नदी के किनारे ना जाए। लेकिन जानवरों के लिए ये बाढ़ काल बन गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक हिरण का बच्चा पानी में बह रहा है, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन गांव वाले रेस्क्यू कर इसे बचा लेते हैं। अब जरा प्रयागराज से आई इस तस्वीर को देखिए। यहां कुदरत का बनाया झरना बह रहा है और हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर पानी से भर गया है। ये सिलसिला लगातार चलता है और इन सब के बीच में ही पुजारी पूजा भी करते हैं। दरअसल संगम नगरी में गंगा यमुना दोनों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दोनों नदियां 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। इसी वजह से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की ऐसी हालत हुई है। ये इस साल में दूसरी बार है जब लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पानी भरा है। जानकारी के मुताबिक जलस्तर बढ़ने का ये सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। चित्रकूट में यमुना नदी तांडव मचाए हुए है, जो 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और अब इसके साइड इफेक्ट पूरे शहर में दिख रहे हैं, क्योंकि जहां देखोगे पानी और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। चित्रकूट के दर्जन गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं कमर कमर तक पानी है तो कहीं पानी गले तक पहुंच गया है। ये कोई झील नहीं है, ये यूपी के लखीमपुर की सड़कें हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को बंधक बना लिया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद जब बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया तो पूरा शहर पानी में डूब गया। अब जरा टापू बने बहराइच के गांवों को देखिए। यहां गिरिजापुरी और गोपिया बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद 35 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसके चलते गांव वालों के सामने साफ पानी और खाने के सामान का संकट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से 2 लोग पानी में डूब गए, जिनकी तलाश अब तक जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाव पर बैठकर दोनों लापता लोगों की खोजबीन हो रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह हादसा हुआ था, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं लगी है। वैसे इस वक्त पूरे देश का हाल ऐसा ही है, क्योंकि आसमान से आ रही बारिश आफत बन गई है, जो सितंबर में कुछ ज्यादा ही सितम ढा रही है।